मॉर्निंग कोरोना अपडेट। राजधानी समेत आने जाने वाले जिलों में मिल रहे रोज कोरोना मरीज। दरअसल प्रदेश में कोरोना के 21 नए संक्रमित और भी बढ़ गए हैं। इसमें राजधानी रायपुर से 9 नए केस शामिल किए गए हैं। और वहीं पिछले 24 घंटों में अगर मौत की बात की जाए तो 24 घंटों में अभी एक भी मौत नहीं हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं विदेश से लौटकर रायगढ़ जिले में आया एक और शख्स पॉजिटिव निकला है। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए उसका सैंपल भुवनेश्वर भिजवाया दिया गया है। इस बीच राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अधिक आने जाने वाले जिलों में कोरोना के हर दिन मिल रहे मरीजों का औसत बढ़ रहा है। दिसंबर की अगर बात करें तो दिसंबर के 19 दिन में पूरे प्रदेश में कोरोना के केस 600 के करीब पहुंच चुके हैं। इस दौरान रायगढ़ में सर्वाधिक यानी कि अधिक 100 से अधिक मरीज मिले हैं। इतना ही नहीं, रायगढ़ में नए संक्रमितों का औसत प्रतिदिन 5 पर पहुँच गया है। वहीं दुर्ग की अगर बात करें तो दुर्ग में इस दौरान नए मरीजों का आंकड़ा 80 के पार हो चुका है, यानी कि रोजाना 4 के औसत से मरीज मिल रहे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच प्रदेश के 2 बड़े शहरों रायपुर और बिलासपुर में इस माह की शुरुआत में कोरोना के नए मामलों में उछाल जैसी स्थिति रही। बता दें कि बीते हफ्तों में दोनों जगह नए केस में उतार चढ़ाव के चलते यहाँ हर दिन 3 के सैंपल नए मरीज मिल रहे हैं। वहीं रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में इस अवधि में नए मरीजों का संख्या 62 के पार पहुंच चुकी है, जबकि बिलासपुर में ये तादाद यानी कि 45 से अधिक रही। अधिक आवाजाही यानी कि आने जाने वाले जिलों में कोरबा और जांजगीर चांपा में भी केस उतार चढ़ाव की स्थिति पर बनी हुई है। जैसा कि हम आपको बता दें कि जिन जिलों में इस माह में एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं वहां नजर रखे हुए हैं। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। सभी जगह कोरोना नियंत्रण के लिए यही उपाय कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों, ये रही आज की ताज़ा कोरोना अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।